हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी आज हम करंट अफेयर करेंगे उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इंडियन आर्मी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद बंगलुरु बेस्ड कंपनी फॉर हाउ मैनी स्काई स्ट्राइकर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने जो साइन किया कॉन्ट्रैक्ट बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ फॉर हाउ मेनी स्ट्राइकर्स। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास 35, 50, 75 या 100। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हाउ मेनी स्ट्राइकर्स, सो 100 रहेगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूँ इंडियन आर्मी साइन एक कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ 100 करोड़ विद द बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ऑन September 1, 2021 टू प्रोक्योर 100 drones कॉल स्काई स्ट्राइकर्स टू गिव ए मेजर बूस्ट टू इंडियन एयरसेल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जहाँ पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ का बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ ऑन September 1, 2021 टू प्रोक्योर 100 drones कॉल स्काई स्ट्राइकर्स टू गिव ए मेजर बूस्ट टू इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर टू, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय SSI। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से रेलवे स्टेशन को अवार्ड दिया गया है 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय SSI। तो ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको बता दूँ यहाँ पे चंडीगढ़। तो न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ आपको पता है एक यूनियन टेरेटरीज हैं, चंडीगढ़ कॉमन है, कैपिटल है अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा, और न्यू दिल्ली जो है आपको पता है इंडिया की कैपिटल है। सो इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इस क्वेश्चन की। तो पहले हम बात करेंगे FSSI की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इंडियन रेलवे ने इंडियन रेलवे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रस फूड टू पैसेंजर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी न्यूट्रस फूड टू पैसेंजर, इसके लिए इनको 5-star ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आप बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसको फॉर्म्ड किया गया 2011 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। अगर आप पैरेंट एजेंसी के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है जी, और अभी करंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर है, मैं आपको बता दूं मनसुख एल मांडवीय जो है करंट हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मैंशन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, वैसे आपको सबको पता होगा कि करंट हमारे फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है। उसके बाद करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसको इस्टैब्लिश किया गया फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर, विच इज़ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यू रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया। और उसके बाद इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को, किसके अकॉर्डिंगली, थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच 3 nations हैव बीन एडमिटेड एज न्यू मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यू नेशन जो है उसको एडमिटेड किया गया है वर्ल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऑप्शन है UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, बांग्लादेश, उर्गे, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो रहेगा UAE, बांग्लादेश एंड उर्गवे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं न्यू जो डेवल, इसमें पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जहाँ पे ऑन September 2, 2021 तीन नेशन को इन्होंने एडमिटेड किया है। तो आपसे सबसे पहले मैं कौन सी न्यू कंट्री जो है इनके साथ ज्वाइंट हुई है, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको UAE बोलते हैं, उर्गवे, उसके बाद बांग्लादेश एज इट्स मेंबर। द बैंक हैज़ बीन सेट अप बाय ऑल द नेशंस दैट आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है फॉर्मली इसको पहले बोला जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोला जाता था, एक ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स स्टेट के द्वारा। अब यहाँ पे ब्रिक्स लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूँ ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स कौन कौन सी कंट्री से मिलकर बना हुआ है। तो ब्रिक्स पहले मैं आपको बता दूँ, बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई जो स्टैंड करता है वो इंडिया, और सी स्टैंड फॉर चाइना, और एस साइन फॉर
स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स पांच कंट्री से मिलकर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली इसको बोला जाता था ब्रिक्स। तो आप जहां पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब जहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई जुलाई 2014 में, ट्रीटी साइन की गई 2014 में और 2015 में जो ट्रीटी थी वो केम इनटू एग्जिस्टेंस में आई। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई चाइना में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, पिच नेशन साइंड ए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन से नेशंस हैं प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ टू फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। सो ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, यूएस, जापान या रशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे यूएस, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंड ए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया था जुलाई 30, 2021 को फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसको साइन किया गया जुलाई 30, 2021 को फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अंडर द किसके अंडर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स एयर सिस्टम इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे जहां पे बता सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे करंट, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारी कंट्री में। क्वेश्चन नंबर फाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल्स एट पैरालंपिक्स। तो आपको पता करंट जो है पैरालंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में जो 5 सितंबर तक चलेंगे, इसकी लास्ट डेट रहेगी जो 5 सितंबर। तो जहां पे आपने मुझे बताना कि कौन से इंडियन हैं जिन्होंने दो मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में, अवानी लेखारा, बाबीना पटेल, एकता बयान या भाग्यश्री यादव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहाँ पर ऑप्शन ए, तो मैं आपको बता दूँ अवानी लेखारा, ठीक है। तो अवानी लेखारा ना इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू विन टू मेडल, दो मेडल जीते हैं इन्होंने। अगर हम बात करें ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की बात करें जो 2000 जिसको 20 का नाम दिया गया यानी कि 2020 में होना था नहीं हुआ, 21 में हो रहा है। एट द पैरालंपिक्स ऑन सेप्टेंबर 3, 2021 शी वॉन ब्रॉन्ज इन R8 वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3PSH इवेंट, ठीक है। तो इवेंट्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, दो मेडल जीते हैं। फर्स्ट मेडल कौन था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। करंट इन्होंने जो दूसरा मेडल जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल है, और फर्स्ट जो उन्होंने पैरालंपिक में मेडल जो अभी रिसेंटली जीता है तो वो कौन सा मेडल है, क्या ब्रॉन्ज है, सिल्वर है या गोल्ड है। शी हैड वॉन, जहाँ पे एक्चुअली मैंने मेंशन किया है जी गोल्ड मेडल जीता है, शी हैड वॉन गोल्ड मेडल अर्लियर इन द वीमेंस 10 मीटर ए राइफल R2SH इवेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अवानी लेखारा के बाद में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो मेडल कौन कौन से जीते हैं, तो रहेंगे आपके लिए ब्रॉन्ज और गोल्ड। तो ये था आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर के रिकॉर्डिंग, तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।